हे गाइज, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे पास एक मोबाइल है, इसका मॉडल है रियलमी नार्जो 50। इसमें क्या है कि गूगल अकाउंट यानी ये फारफी लाख लगा है। आज की इस वीडियो में आपको इजीली तरीके से इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके दिखाएंगे, यानी ईमेल आईडी जो लगी है इसको बाईपास करके हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें गूगल अकाउंट लगा है। हमारे साथ आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज़ स्किप मत करना। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये बॉक्स को भरकर दोबारा नेक्स्ट करना है। आप इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर कनेक्ट टू वाईफाई, यानी दूसरे मोबाइल से आप हॉटस्पॉट ऑन करके इसमें आपको वाईफाई कनेक्ट करना होगा। जैसे हमारा ये हॉटस्पॉट ऑन है, हम चलिए मैं अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड डाल करके वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, यानी हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेते हैं। हॉटस्पॉट देख सकते हैं ऊपर हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब बात आती है इसको गूगल अकाउंट को बाईपास कैसे करना है। आप ध्यान से यहीं से स्टेप बाय स्टेप देखना है, आपको पूरा बैक कर देना है इसके बाद, ठीक है। अब बैक करने के बाद आपको यहां पर ध्यान से देखना है, आपको यहां पर दो बटन थी जिसे आवाज़ धीम करते हैं और तेज़ करते हैं, उन दोनों बटन को एक साथ दाबना है, ठीक है। दोनों बटन को एक साथ दाबना है, देख सकते हैं, सॉरी दोबारा आप देखिए ट्राई कर रहे हैं। दोनों बटन को एक साथ दाबेंगे, ठीक है। दोनों बटन को एक साथ दाबने के बाद अभी देखेंगे, देख सकते हैं टर्न ऑन का ऑप्शन आ चुका है, आपको टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है। दोबारा फिर से आपको दोनों उंगली से दोनों बटन को दाबना है एक साथ। दोनों बटन को जब एक साथ दाबेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको ऐसे उल्टा यल बनाना है, ठीक है। एक बार दो बार ट्राई करेंगे तो उल्टा यल बन के आएगा, भी थोड़ी एक इंटरफेस आएगा। देखते हैं कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको इस पर आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपको डबल क्लिक करके आपको बोलना है गूगल असिस्टेंट, ठीक है। आपको डबल क्लिक करके बोलना है गूगल असिस्टेंट, ध्यान देना गूगल असिस्टेंट बोलना। चलिए मैं दिखाता हूँ गूगल असिस्टेंट, ओपन यूट्यूब। इसके बाद आपको बोलना है ओपन यूट्यूब, ठीक है। ओपन यूट्यूब बोलते ही यहाँ पर देखेंगे यूट्यूब ओपन हो चुका है। अब इसको जो टॉल बैक ऑन किए थे उसको आपको ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए आपको दोनों बटन को एक साथ दाबना है, फिर से दोबारा दोनों बटन को एक साथ दाबेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे टॉल बैक ऑफ हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको उस पर क्लिक करना है। आपको इसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अबाउट में जाना है, ध्यान देना अबाउट में। इसके बाद आपको यूट्यूब थम्स अप सर्विस में जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर खुल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको भी यहाँ पर देखेंगे नो थैंक्स का ऑप्शन आएगा, आपको नो थैंक्स करना है। यहाँ पर देख सकते हैं नो थैंक्स करना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है वी एन रोम, ठीक है। वी एन रोम आप देख सकते हैं ऊपर, उस पर आपको वी एन रोम सर्च करेंगे। इसके बाद आपको पहले वाली वेबसाइट आएगी, पहले वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी कुछ आपको दूसरा इंटरफेस दिखेगा, नेट स्लो है, थोड़ा आप वेट करिए, ठीक है। आपको देखते हैं कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है मेन सेटिंग खुल जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप ध्यान से यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखेंगे एक सेटिंग दिखेगी, इंटरनेशनल सेटिंग दिखेगी, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे बैकअप रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट दिख रहा है, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा आपको देखेगा इरेज ऑल डाटा, आपको उस पर दोबारा क्लिक कर देना है। इसके बाद इरेज डाटा दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, दोबारा वहीं पर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारी मोबाइल जो है रिबूट हो जाएगी, रिबूट हो गया, अभी ओपन होगी। ओपन होने में कम से कम इसको थोड़ी देर लगे। इसके बाद रीसेट जो पूरा डाटा रहेगा, पूरा जो भी यहाँ पर गूगल अकाउंट जो भी लगा रहेगा पूरा सब उसमें बाईपास कर देगा। बाईपास करने में इसको कम से कम डेढ़ से दो मिनट का, लगभग ढाई मिनट का टाइम लगता है। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। इसको कैसे सेटअप लास्ट में करना है हम आपको लास्ट में बताएंगे। तब तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारा जो है बेल नोटिफिकेशन जो सब्सक्राइब करने का बेल नोटिफिकेशन आता है उसको ऑन कर देना।
सब्सक्राइब लाइक करने से क्या होता है, ना तो एक रुपये आपको देना पड़ता है ना कुछ, वो फ्री है पूरा। सब्सक्राइब लाइक करके हमारा जो उत्साह है उसको बढ़ा दीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब लाइक का पैसा नहीं लगता है। जैसे हमारी मोबाइल जो है ओपन हो चुकी है रीसेट होके, अब इसको कैसे आपको सेटअप करना है आप ध्यान से वीडियो को देखना है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन थी कि आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, दोबारा आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आएगा, आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पर मोर पर क्लिक करना है, दोबारा मोर पर क्लिक करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लेटर का ऑप्शन देखिए, लेटर पर क्लिक करना है, दोबारा लेटर पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोबारा नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अभी गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, देखते हैं गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ चुका है, उस पर क्लिक कर देना है। देखते हमारा जो FRP लॉक लगा था यानी गूगल अकाउंट लगा था वो बाईपास हो चुका है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए।